धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखने से 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस बार निर्जला एकादशी का पर्व 18 जून को मनाया जाएगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने और निर्जल रहकर उपवास रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को महिला व पुरुष दोनों श्रद्धालु रख सकते हैं। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दाल व आटा दान करना चाहिए। इसके अलावा खरबूजा, तरबूज, आम समेत आदि फलों को दान करना भी शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी पर गरीब लोगों को धन का दान करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन जल का दान सबसे महत्वपूर्ण दान माना जाता है। पंडित घनश्याम शर्मा ने बताया कि स्कंद पुराण के विष्णु खंड में एकादशी महात्म्य के अध्याय में है कि साल भर की एकादशी का पुण्य निर्जला एकादशी को करने से मिल जाता है। घनश्याम शर्मा ने बताया कि पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पीते हैं, दिन भर कम बोलते हैं और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करते हैं। वो निर्जला 11 से मैं कई सालों से ये व्रत कर रही हूँ। इस व्रत करने से घर में सुख शांति रहती है। साफ सफाई करना चाहिए, शांति रखना चाहिए, कम बोलना चाहिए। सूर्य उदय होने के बाद में कुछ भी पानी आनी कुछ भी नहीं खाना चाहिए। कई सालों से कर रही हूँ। इस व्रत करने से सुख शांति रहती है, काम कुमार में प्रलोभन मिलती है।